तीन महीने का मैं आपको बोल रहा हूँ, तीन महीने में इस बछड़े को ऐसा तैयार करके मैं आपको बताऊंगा ना, ऐसा इसे तैयार करूंगा कि आप यार, लोग बड़े बड़े शेड बना रहे हैं, गायों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, पर गिर गाय की एक बात बता दूं मैं आपको, राधिका के जो रिजल्ट हैं उनका कोई तोड़ नहीं है। हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म शो इसके एक और जबरदस्त व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और पीछे देख रहे हैं हमारे गिर गाय का फार्म। दोस्तों आज हमारे फार्म पे आपको पता है ना एक रिजल्ट आया हुआ था कुछ दिन पहले, तो आज हम उसके पास में ही आए हुए हैं। यहाँ पे देखो, चलो अंदर चलते हैं और रिजल्ट देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लो हमारे गुरुजी हैं, इनके आप दर्शन कर लीजिए। और ये है अपना शेड डेयरी वाला, जहाँ पर अपनी गाय रहती है, शाम के समय में यानी रात के समय में यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पे देखो भाई, एक बछड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है। ये देखो क्या हाल है, ये देखो भाई मक्खी बहुत हो रही है यहाँ पे, पंखा चालू करना पड़ेगा यहाँ पर पंखा उस साइड है, तो इसको है ना वहाँ पे शिफ्ट करेंगे उस साइड में और वहाँ पे पंखा डालेंगे। पर ये अभी यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्यों बैठा हुआ पता है, क्योंकि यहाँ पे धूप है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ है, चलो इसको धूप में बैठने देते हैं। ये देखो बहुत प्यारा है यार ये, और इसको है ना कुछ दिन अभी यहाँ पे ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रहेगा ना तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी ये सिर्फ दूध पीता है, चारा वारा तो खाएगा नहीं, सिर्फ पानी और दूध पीता है। तो इसको है ना अभी थोड़े दिन इधर ही रखेंगे, क्योंकि है ना वहाँ पे फिर बड़े बड़े बछड़े हैं, तो फिर इधर उधर इसको लगा नहीं दे, या कहीं चोट ना लगा दे और कहीं इसको परेशान ना करे, इसलिए यहाँ पे बड़े मतलब आराम से बैठेगा यार, कुल बात तो यही है। अभी देखो भाई, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग। और हाँ, इसका नाम पूछने का मैंने नाम पूछा था मैंने आपका, कि इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए क्या रखना चाहिए, तो आप लोगों ने कॉमेंट करी और सबसे ज़्यादा नाम आया प्रहलाद, तो इस बछड़े का नाम हम प्रहलाद रख देते हैं, सबसे बढ़िया। ये देखो तो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर है, और होली के दिन अपने यहाँ पे आया है तो नाम भी बहुत सूट कर रहा है इस पे। चलो अब इसको आराम करने देते हैं भाई, ये धूप में बैठा हुआ है यहाँ पे देखो, है ना। और यहाँ पे ना पंखा ये वाला है, पर ये हवा इधर डालेगा, और इधर पाइप जमा रखे हैं पापा ने, तो इधर तो अपन कर नहीं पाएंगे। ये इसका भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जगह के लिए यहाँ पे ना। इस बार हम क्या करेंगे पता है, पाइप के लिए कुछ ना कुछ दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना यार। फार्म के अंदर पाइप मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि पंखे भी नहीं लगते और लाइट भी फिर आधी रोशनी इधर जाती है आधी रोशनी उधर जाती है, तो दिक्कत होती है, मज़े नहीं आते। तो इसलिए ना या तो एक शेड अलग से बना लेंगे और ये सारी चीज़ें खेती की उधर ही रख देंगे। वैसे पाइप यहाँ पे अपन रख सकते हैं, पर यहाँ पे ना फिर भूसा भर जाएगा इन पाइप के अंदर और फिर ये बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ड्रिप वाले पाइप हैं। और भाई यहाँ पे आप देखो अभी भूसा का काम कितना चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, तो भूसा तो आया जा रहा है, आप देखो इतना तो बाहर ही रखा हुआ है। और इधर चलता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ, ये देखो तो ये सारा मिक्स करके भर दिया है। अभी देखो आपको अलग ही दिख जाएगा, ये मेथी का है और उधर वाला गेहूँ का है, और गेहूँ का भी ये बारीक वाला है। आपको, आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले हमारे खेत पे हार्वेस्टर चल रही थी ना, तो वो हार्वेस्टर ऐसी थी कि काट भी रही है और भूसा भी साथ ही साथ ट्रॉली में भर भी रही है, मतलब एसी वाली थी, बहुत धीरे चलती है, पूरा थ्रेशर वाला सिस्टम है, तो उसने बिल्कुल बारीक बारीक कर दिया, थोड़ी स्लो चलती है पर हाँ कर दिया उसने, उसका काम तो हो गया। और मतलब है ना, अगर आपके पास में अगर 18-20 बीघा ज़मीन है तो उसको तो दिन भर हो जाता है काटने में ही, तो इतनी स्लो वो चलती है। और ये काम अपना मेन हो गया है, और आप देखते हैं देखो थोड़ा बहुत और इधर के जो गेहूं हैं ये भी अगर अपना काम हो जाएगा तो फिर अपने यहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखो, ये देखो भाई सारे गेहूं हाथों से कटवा के ऐसे बंडल के बंडल रख दिए, ये देखो भाई सब के सब बंडल यहाँ पे जमा दिए हैं। और ये लहसुन है हमारी, ये देखो ऐसे बंडल और इसे बांध दिए, फिर इनको थ्रेशर से निकाल लेंगे। ये देखो तो इनका भूसा भी अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे देखो सारी गाय आराम कर रही है, फटाफट से अंदर ही चलते हैं, इधर बाहर से देखने मज़े नहीं आते इनको, इनके पास भी जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। चलो भाई, और अर्जुन और नए बुल का भी क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाऊँगा। चलो भाई फटाफट से चलते हैं। और अभी अपनी ये वाली मशीन चालू हो गई है, मैं कभी होगा तो आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। ये देखो तो भाई ये मशीन है, ये मशीन घंटों का काम मिनटों में करती है,
और बहुत सारे मजदूरों का काम सिर्फ एक मजदूर कर देता है इस मशीन को लेके। ये देखो भाई, ये है भूसा भरने की मशीन और ये काम मिनटों में कर देती है। जी हाँ दोस्तों, चलो भाई अब चलते हैं अंदर। और भाई फटाफट से चलो, पहले तो चलेंगे अंदर। और भाई अभी है ना गर्मियाँ चालू हो चुकी है, तो अब मैं आपको क्या बताऊं भाई, गर्मी में जिस फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं आईफोन 13 से वीडियो बनाता हूँ, तो 13 इतना ज़्यादा गर्म होता है ना, तो दिन में तो वीडियो आप बना नहीं सकते, सीधी सिंपल बात है। तो थोड़ा सा शाम में मैं अभी, मतलब टाइम की अगर बात करें ना, तो 3:15 अभी हो रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस समय के बाद आप कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मौसम थोड़ा टेम्परेचर डाउन जाता है 3 के बाद में, पर 12-1 तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना हाई हो जाता है। और यहाँ पे देखो भाई, अब अपना देखो है ना, मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि यार आपका बगलिनो तैयार नहीं हुआ, क्या दिक्कत हुई। मैं आपको बताता हूँ बगलिनो, मुझे है ना अब लास्ट 3 महीने का मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 महीने में इस बछड़े को ऐसा तैयार करके मैं आपको बताऊँगा ना, ऐसा इसे तैयार करूँगा कि आप बिल्कुल आप चौंक जाएंगे। 3 महीने, क्योंकि मैंने पूरी डाइट इसके लिए तैयार कर रखी है, 3 महीने में मैं इसको रेडी करके बताऊंगा कितना हेवी ये तैयार होता है और कितना स्ट्रॉन्ग ये बनेगा 3 महीने, क्योंकि गर्मियाँ अभी आ चुकी है, तो ये ऐसी डाइट में इसके लिए लेके आया ना, आपको बताऊंगा देखो। पर पहले मैं बगलिनों को तैयार करके बता दूँ कि हाँ भाई रिजल्ट अच्छा है। सुमन खड़ी हो गई यहाँ पर और अर्जुन इस साइड बैठा हुआ है, और भाई ये देखो, ये देखो भाई, ये वाला बुल इस साइड है और यहाँ पे ये अपनी बछड़िया, ये सीता की बछड़ी है, ये रही ब्लैक वाली, क्या हाल है? अरे यार ये तो अभी भी डरती है यार, अभी भी सेम डरती है। आजा, ये देखो उधर चली गई, और बाकी गायें तो यहाँ पे बैठी हुई है, और भाई ये तो सो रही है यार, देखो ये तो आराम कर रही है यार बिल्कुल है अच्छे से। और इधर आप देखो बाकी गायों को खाने में व्यस्त है, राधिका यहाँ पे है। और इन गायों का मैंने एक चीज़ ये देखी है, तेज धूप होगी ना वहाँ पे जाके बैठेगी यार, गर्मी के दिनों में भी, ये तो मैंने देखा यार, मतलब आपने देखा होगा ना कि यार लोग बड़े बड़े शेड बना रहे हैं, गायों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, पर गिर गाय की एक बात बता दूं मैं आपको, ये जहाँ पे तेज धूप रहेगी, अरे अप्रैल मई के महीने में भी जहाँ पर तेज धूप रहेगी वहाँ पर ये जाकर बैठेगी, ऐसी गाय है ये, इन्हें धूप बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अभी भी अगर आप देखोगे ना उधर जगह है, पर ये देखो ये इधर धूप में आती है, ये देखो अर्जुन धूप में बैठा हुआ है, ये देखो इधर एक बछड़ी धूप में बैठी हुई है, वहाँ पे आपने देखा एक बछड़ा धूप में बैठा हुआ है, मतलब इतने टेम्परेचर में भी धूप में बैठती है यार ये, देखो इधर देखो एक बछड़ी बैठी हुई है, जबकि वहाँ पर जगह है बैठने के लिए छाँव में, यार ऐसा रहता है। देखो अपन ऐसे सोचते नहीं कि यार इन्हें धूप लग रही है इन्हें, हाँ थोड़े टाइम के लिए ये जाती है छाँव में, पर हमेशा नहीं जाती है। अगर ऐसा एक और पेड़ यहाँ पे हो जाए ना बड़ा वाला, इस साइड हो जाए या इस साइड हो जाए, तो भाई हमें फिर वो बार बार है ना ऐसा यहाँ पे ऊपर कुछ करने की व्यवस्था करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना यार फिर वो आता है ना, तो फिर उसके लिए मतलब अलग से बांधो और फिर बहुत बेकार दिखता है यार, क्योंकि अभी शेड है नहीं यहाँ पर। तो अगर ऐसा एक पेड़ यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा इस साइड होता ना, तो काम बन जाता अपना यहाँ पर बीच सेंटर में। अब चलो कोई नहीं, अब तो यहाँ पर फार्म बनाना ही है, इस जगह को अपन खोदेंगे, मतलब यहाँ पे भराव करेंगे पहले, और यहाँ पे इस हाइट करके, इतनी जितनी हाइट है इससे थोड़ी सी और बढ़ा के यहाँ पे इस बार शेड बनाएंगे, देखेंगे देखो क्या होता है। और यहाँ पे जब शेड बन जाएगा तब बहुत प्यारा लगेगा, और जगह भी यहाँ पे बहुत सारी निकल जाएगी, है ना। ये देखो, और राधिका, राधु, ये देखो राधिका, और ये रही सुरभि, 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 ये देखो यार ये भी अच्छी तैयार हो गई है यार। राधिका के जितने भी रिजल्ट आते हैं ना सारे ही जबरदस्त आते हैं, उसी में से एक रिजल्ट आप सुरभि का देखिए, बहुत प्यारी और बहुत सुंदर है। हाँ, और है ना राधिका की जितनी भी ब्लड लाइन आ रही है, मतलब जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं ना, सारे ही स्ट्रोंग आ रहे हैं, दूध देने वाले अच्छे दूध देने वाले, इसके साथ साथ में इतने ज़्यादा समझदार और इतने ज़्यादा शांत आ रहे हैं ना, मतलब आप सीता को देख लीजिए, अर्जुन आपके साथ साथ सामने एग्जांपल है, सुरभि आप देख लीजिए, एक राधिका की बछड़ी वो जो मेरे पास में आती दौड़ दौड़ के बार बार आती है, आप लोग देखते हैं तो आपको पता ही होगा, वो दौड़ दौड़ के आ जाती है मेरे पास में। तो
ये तो बात है कि राधिका के जो रिजल्ट हैं उनका कोई तोड़ नहीं है, बहुत सुंदर और बहुत प्यारे प्यारे हैं। और यहाँ पे देखो अपनी बछड़ी आराम कर रही है, ये देखो ये छाँव में बैठी हुई है, थोड़ी देर धूप में थोड़ी देर छाँव में बैठी रहती है। और इधर ये सब क्या खाने में बिजी हो रहे हैं सब के सब। अच्छा कुट्टी डाली हुई है ना इनके लिए, ये देखो। हाँ तभी वहाँ पे कुट्टी करके यहाँ पे डायरेक्ट डाल देते हैं। और जब से ये वाला सिस्टम हमने लगाया ना, मतलब इधर का इधर उधर का उधर, तो इनमें हरा हरा इधर ही डाल देते हैं हम, ताकि ये आराम से खा लेते हैं इधर ही, और हमें भी बार बार अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर से डल जाता है। ये तो काफ़ी अच्छा सिस्टम रहा यार इस बार। और इस बार अपने पास वैसे भी एक खाने वाली एक्स्ट्रा रखी हुई है उधर, तो अब इधर तो दो है, इधर एक वो बड़ी वाली हो गई है, सबसे बड़ी वाली तो ये है, दो उधर हो गई, तो अब तो इनफ है, मतलब बहुत ज़्यादा है अब तो, अब ज़्यादा अपन को करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और यहाँ पे देखो अपनी सुमन पानी पीने के लिए आ गई, सुमन ये देखो भाई इसमें कचरा गिर जाता है यार ऊपर से, यार यहाँ पे क्या करेंगे अपन। पर अभी इसको काटेंगे नहीं यार बिल्कुल भी, इसको फैलने देते हैं, थोड़ा सा और फैल जाएगा ना इधर तो छाँव करेगा फार्म में अपने। चलो 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 भाई, सुमन भी अच्छी रेडी हो गई है, ये देखो है ना अच्छी खासी रेडी हो गई। और भाई यहाँ से क्या हवा आ रही, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही इस साइड से, बहुत बहुत ही प्यारा। और है ना मतलब मेरे फार्म की अगर बात करें ना, तो एक तो गांव के अंदर आ गया तो इतनी शांति और इतना अच्छा रहता है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, कोई शोर शराबा नहीं, इस रूट में कोई लोग भी नहीं आते हैं, क्योंकि इधर सारी हमारी जगह आ गई है, गाँव के एक साइड में हम आ चुके हैं, तो बहुत शांति और बहुत सुकून है यहाँ पे। मतलब मैं आप यहाँ पे जब आओगे और इस जगह पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे आप आओगे तब आप इस चीज़ को फील कर पाओगे जो मैं कह रहा हूँ। इस साइड भी आप देखो कितना प्यारा व्यू है, देखो और हवा चल रही ठंडी ठंडी, इस साइड नदी आ गई है अपनी और इस साइड कुआ है अपनी, ये देखो भाई क्या हवा चल रही है, बहुत मतलब गर्मी के टाइम पर भी यहाँ पर आने में मज़े आते हैं, ये देखो। और हाँ एक चीज़ और, मतलब हमारे कुछ व्लॉग सभी मिस हो रहे हैं, तो मैंने आपको कारण तो बता ही दिया कि दिन में अपना आईफोन बहुत ज़्यादा हीट करता है, और एक व्लॉग शायद ये तो चलो बन रहा है, क्योंकि अभी हमने फिर से 4K में स्टार्ट कर दी वीडियो बनाना, मतलब व्लॉग्स अभी 4K में आ रहे हैं, तो आप बताइए क्वालिटी कैसी लग रही है। और अब इस व्लॉग को एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएँ। मैं मिलता हूँ हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।